हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपना ब्राइडल बैग पैक कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं तीन सेक्शंस में इसे डिवाइड करने वाली हूँ। पहले सेक्शन में मैं वो सारा सामान अपने ब्राइडल लगेज में पैक करने वाली हूँ जो भी मुझे ससुराल जाके नीड होगा। सेकेंड थिंग मैं जो पैक करने वाली हूँ वो है मेरा ब्राइडल लहंगा, ज्वेलरी, फुटवेयर, जो भी मेरे वेडिंग डे में काम आने वाला सामान होगा ना, उन सबको मैं एक साथ पैक करने वाली हूँ। एंड जो थर्ड सेक्शन होगा वो होगा मेरा जितना भी प्री वेडिंग सेरेमनीज में मुझे कपड़े चाहिए होंगे, ज्वेलरी चाहिए होगा, फुटवेयर चाहिए होगा, वो सब कुछ मैं एक साथ पैक करने वाली हूँ। फिलहाल आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं शादी के बाद जो लगेज अपने साथ लेके जाने वाली हूँ ससुराल, उसके अंदर मैं क्या कुछ पैक कर रही हूँ एंड किस तरीके से पैक कर रही हूँ, वो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स सी। सो गाइज, ये मेरा लगेज जिसके अंदर मैं सारा सामान कैरी करने वाली हूँ। सो कुछ इस तरीके के लगेज है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसे आपको बाहर से दिखाया था, फिलहाल अंदर से कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आपको एक जिपर भी मिल जाती है अमेज़न से, आपको इस तरीके के ये बैग्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी साड़ीज वगैरह पैक करके रख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने अपनी जो भी शादी के बाद मुझे साड़ी सूट्स नीड होंगे वो सब कुछ मैंने इस तरीके के बैग्स के अंदर पैक कर दिया है। तो इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगी। इसी तरीके से ये कुछ सामान मैंने अगेन पैक किया है। गाइस, मैंने इतने सारे कपड़े अपने स्टिच करवाए हैं ना कि ये मेरा ना पूरा सामान नहीं है, अभी भी मेरा बहुत सामान बाकी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ससुराल मेरा यहीं पे 3 किलोमीटर की दूरी पे, तो उसी दिन मैं दोबारा अपना बैग भिजवा के ना बाकी का सामान ले जाऊँगी, क्योंकि एक बार में ले जा पाना इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैं फिलहाल इतना ही ले जा रही हूँ जितना इस बैग के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा ये एक बॉक्स था जिसके अंदर मुझे पार्सल आया था ब्रांड की तरफ से। सो इसके अंदर मैंने अपना जो भी मेरे स्ट्रेटनर था या फिर ये हेयर बैंड, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, ये सब कुछ मैंने इसमें पैक कर लिया। बाद ये है मेरा ड्रायर जो कि मैं ये वाले सेक्शन में डालने वाली हूँ। यहाँ पे एक जिप आपको और मिल जाती है, सो यहाँ मैं इसे डाल दूंगी। एंड इसके अलावा मेरे कुछ टॉवल्स है वो भी मैं सारी यही डालने वाली हूँ। नहीं, टॉवल को मैं सोच रही हूँ यहाँ पे डालूंगी क्योंकि यहाँ पे भी काफी स्पेस है। ये मेरे कुछ पर्सनल हाइजीन के आइटम्स एंड बाथरूम स्लीपर्स हैं, ये सब कुछ मैं यहाँ इसी सेक्शन में रखने वाली हूँ। कोलगेट, कंडीशनर, शैम्पू, डेटॉल, माय टूथब्रश, टोनर एंड आ मॉइस्चराइजर। That's it. So, ये हो चुका है मेरा बैकपैक। अब मैं आपको क्लोजली एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो सूट और साड़ीज़ वाले मेरे बैग्स थे वो लगाए, फिर यहाँ पे मैंने अपने सारे टॉवल्स रखे, देन इसके अंदर मेरे हेयर टूल एंड फेस वॉश, एलोवेरा जेल वगैरह रखे हुए मैंने, देन ये फेशियल टिशू मैंने एक यहाँ पे रख दिया। इसके अंदर है मेरे सारे टॉयलेट्रीज आइटम, पर्सनल हाइजीन आइटम्स, सब कुछ मैंने जिपर के अंदर रख दिए। एंड ये कुछ आइटम्स हैं जो कि मैं अलग से पैक करने वाली हूँ, उसका वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अब मैं यहाँ पे जिपर लगा दूँगी एंड यहाँ पे इन्होंने लॉक का सिस्टम दिया हुआ है, तो मैं ये सूट केस अपना ये लगेज आप बोल लो इसको लॉक कर दूँगी एंड ये मैं बाद में ससुराल पहुँच के ही खोलने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका लगेज बंद नहीं हो पा रहा है, तो फैब्रिक लगेज की ये खासियत होती है कि यहाँ पर आपको ना एक्सटेंड करने के लिए ये चेन सी मिलती है। पहले मुझे पता नहीं था कि इस तरीके का जिप यहाँ पे क्यों मिला होता है जब इसके अंदर कुछ सामान रख ही नहीं सकते, अब मुझे पता चला वो इसलिए होता है सो दैट कि अगर आपका बैग बंद नहीं हो रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैग ऐसे में बंद नहीं हो रहा है, मेरा तो हो जा रहा है, बट अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें आ सकता है, आपको बस इसको खोल देना है, तो इतना ज़्यादा आपको स्पेस और ज़्यादा मिल जाता है, मतलब
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं खोल देती हूँ ताकि मेरा बैग इजीली बंद हो जाए, एंड ये वाली ज़िपर मैं बंद कर दूँगी। ये है मेरा ब्राइडल लगेज जो कि अब डायरेक्ट मैं शादी के बाद ही ओपन करने वाली हूँ, एज लॉन्ग एज मुझे नहीं लगेगा कि इसके अंदर मुझे कुछ और रखने की जरूरत है। लगेगा तो मैं इसके अंदर वो डाल दूंगी, एंड इसके अलावा तो ये मेरा बैग तैयार ही है। और अब बारी है मेरे वेडिंग आउटफिट को पैक करने की, तो वो भी जब मैं पैक करूंगी ना, उससे पहले मैं आपको जरूर से जरूर दिखा दूंगी, उसका भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी। हर एक सेरेमनी में मैं क्या आउटफिट पहनने वाली हूँ, क्या ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, उसका पूरा व्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के ऊपर। एंड इसके अलावा मैं जल्दी आप लोग के लिए एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ, यानी कि उसका टाइटल क्या होगा, ब्राइडल सर्वाइवल किट। यस, एक ब्राइड को अपनी वेडिंग डे पे क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और क्या कुछ उसे अपने साथ कैरी करना चाहिए अपने वेडिंग डे पर, उसका मैं वीडियो आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय गाइज़।